एक्ट दे विच उन्हां नूं सख्त सजा दा की अहम बैठक हुई और बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी और सीएम मान ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में पंचायत और नगर निगमों की वित्त कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई है और साथ ही चिटफंड कंपनियों को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं। चिटफंड कंपनियों में फ्रॉड होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और साथ ही सरकार ने कच्चे शिक्षकों को पक्का करने का भी फैसला लिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को विजिलेंस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और 13 जून को विजिलेंस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें, विजिलेंस इस मामले में चन्नी से पहले भी एक बार पूछताछ किए जा रही है और इस दौरान चन्नी ने जांच टीम को अपनी संपत्ति व अन्य रिकॉर्ड के बारे में जानकारी दी थी। इससे पहले पंजाब सरकार के द्वारा चरणजीत सिंह चन्नी का लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था और इस पर चन्नी ने विदेश यात्रा रद्द होने की बात की थी। तरन तारण में कांग्रेस पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए और खेमकरण विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सरपंच अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा नेता अनूप सिंह भुल्लर की अगुवाई में सभी नेता भाजपा में शामिल हुए और भाजपा नेता अनूप सिंह भुल्लर ने कहा है, कांग्रेस की सरकार में लोगों के साथ धोखा हुआ और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से परेशान होकर ये सभी नेता भाजपा में शामिल हो गए। चंडीगढ़ के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में चंडीगढ़ पुलिस को 103 मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायत मिली थी, जिसमें से पुलिस ने 17 मोबाइल फोन बरामद कर लिए, साथ ही 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसपी मृदुल ने बताया है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ कोर्ट ने 4 आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पटियाला में डीजीपी गौरव यादव के निर्देश के बाद अलग अलग थानों को अपग्रेड किया जा रहा है। एसएसपी पटियाला के दिशा निर्देशानुसार पुलिस कर्मियों को टेबल वितरित किए गए और साथ ही स्मार्ट मोबाइल फोन भी दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा है, पंजाब डीजीपी गौरव यादव के निर्देश के बाद से सभी थानों को अपग्रेड किया गया है, जिसके तहत जिले के अलग अलग थानों में टैबलेट बांटे गए हैं। बेमौसमी बारिश के कारण कपूरथला के ऊंचा बेच गांव के रहने वाले व्यक्ति के घर की छत गिरने से काफी नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार के सदस्य ने कहा है कि जब वो सोकर घर के बाहर आए तो कमरे की छत ढही हुई थी। छत गिरने के कारण घर में रखा सारा सामान खराब हो गया है। वहीं परिवार वालों ने प्रशासन से सहायता की मांग की। लुधियाना में अज्ञात युवकों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात युवक कैश वैन से करीब 7 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने कैश वैन बरामद कर ली है और गाड़ी से 2 हथियार भी बरामद किए। मानसा में नगर परिषद की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में शहर में सीवरेज की समस्या सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पार्षदों ने कहा है, मानसा शहर में सीवरेज की समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा, ताकि तलवंडी साबो थर्मल प्लांट से जिस पानी का सहमति बनी है उसमें पहुंचाया जाए और किसानों के नहर के पानी का इस्तेमाल किया जा सके। पार्षदों ने सीएम भगवंत मान से मांग की है कि जल्द इस समस्या का समाधान हो और मानसा में सीवरेज की समस्या का निदान हो।
गिद्दड़बाह में ड्रग विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और प्रतिबंधित दवा बेचने के आरोप में एक दुकान को सील किया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा है कि बिना स्वीकृति के लोगों को प्रतिबंधित दवाइयां दी गई और शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दुकान से कई ऐसी दवाएं बरामद की गई हैं और पूरी तरीके से ये आम बाजार में पाबंदित हैं। बटाला के गांव चंदूमाझा गांव में अज्ञात युवक फायरिंग करके फरार हो गए हैं और फायरिंग के दौरान नानक सिंह नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और घायल नानक सिंह को पास के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने पीड़ित नानक सिंह की शिकायत पर केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।